फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द क्वीन शो में और आपके साथ मैं हूं प्रीति विष्ट। हमारे शो की जो आज क्वीन बनी है वो एक ऐसी निशानेबाज है जिन्होंने कुदरत की चुनौती को चुनौती दे दी है। जी हाँ, सोनिया शर्मा की हम बात कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर भी मेडल जीत कर ले आई है और आगे भी अभी अपने मेडल की तैयारी कर रही है। जब सोनिया का जन्म हुआ तो सोनिया का एक हाथ अविकसित था, तो ऐसे में कोई भी नहीं सोच सकता है कि वो निशानेबाजी में अपनी किस्मत आजमाएगा, निशानेबाजी में अपना भविष्य संवारेगा, क्योंकि राइफल को पकड़ने के लिए या पूरे गेम में आपको दोनों हाथ के सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा, सोनिया ने इस चैलेंज को चैलेंज किया और आज वो इस पर पूरी तरह से खरी उतरी है। तो सोनिया ने कैसे एक ऐसा मकाम हासिल किया जो शुरुआत में नामुमकिन लग रहा था, हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। अगर किसी की जिद देखनी हो, अगर किसी का जुनून देखना हो, अगर ये देखना हो कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जाता है, तो मिलिए निशानेबाज सोनिया शर्मा से। सोनिया के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ही बता देती है कि सोनिया के लिए जिंदगी का मतलब उसके एक एक पल को पूरी शिद्दत के साथ जीना, उसका जश्न मनाना है, न कि उस पर अफसोस करना जो नहीं मिला। तभी तो जन्म से अविकसित बाएं हाथ के साथ सोनिया ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे दोनों हाथ होते हुए भी आसानी से अंजाम नहीं दिया जा सकता। निशानेबाजी एक ऐसा खेल जिसमें आंखों के साथ साथ दोनों हाथों की भूमिका बेहद अहम होती है। वेपन उठाना हो या उसमें पैलेट भरने हो, जब दोनों हाथों का साथ मिलता है तभी खेल शुरू होता है। लेकिन सोनिया ने तो जैसे ठान लिया था कि उन्हें आसान राह पर नहीं चलना बल्कि असंभव को संभव कर दिखाना है। आगरा के बलकेश्वर में रहने वाली सोनिया को हौसला अपने पिता स्वर्गीय ठाकुर दास शर्मा से मिला। उन्होंने सोनिया को बचपन से बस यही सिखाया कि आप हर वो काम कर सकते हो जिसे आप वाकई में करना चाहते हो। वो जानते थे कि उनकी बेटी खास है और एक दिन वो जरूर उनका नाम रोशन करेगी। पिता तो बेटी की कामयाबी नहीं देख पाए, लेकिन परिवार के बाकी लोग आज अपनी बेटी पर नाज कर रहे हैं। हमने इसको कभी भी गिव अप नहीं करने दिया। हमने कहा नहीं, तुम कर सकती हो, नहीं तुम कर सकती हो, और आज वो करके दिखा रही है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे घर पे सोनिया शर्मा जैसी बेटी है। हम बहुत खुश हैं, इसका देखते हैं इंटरव्यू वगैरह, इसकी मेडल्स लेके आती है तो बहुत खुशी होती है कि मतलब हम जो नहीं कर पाए वो ये बच्ची कर रही है। हम तो कुछ भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, लेकिन बच्ची बहुत आगे जा रही है, अच्छा कर रही है। मैं इस पर बड़ा गर्व है, खूब बड़ी हो, खूब हमें बढ़ के कुछ दिखाए। सोनिया ने शुरू से वो काबिलियत थी जो उसने अपने फादर का सपना पूरा करने की कोशिश की और कई हद तक किया भी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरी दीदी खेलती है, मैं चाहता हूँ मेरी दीदी जीत के मेरे को नैनो दिलवाए। सोनिया की जिंदगी में बड़ा बदलाव 11वीं कक्षा में आया। 2011 में सोनिया के स्कूल में शूटिंग रेंज बनी और कैंप लगा जिसमें सोनिया ने आम बच्चों की तरह हिस्सा लिया। अच्छा निशाना लगाने पर स्कूल ने उन्हें यूपी लेवल पर खेलने के लिए भेज दिया, जहां सोनिया ने दिव्यांगता को पछाड़ कर जनरल कैटेगरी में भाग लेते हुए रजत पदक हासिल किया। इसके बाद जिला स्तरीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। सोनिया के पिता अपने सपने को साकार होता हुआ देख ही रहे थे कि उनकी किडनी खराब हो गई। इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च होने के बाद भी जान नहीं बच पाई। इसके बाद सोनिया भावनात्मक और आर्थिक तौर पर काफी कमजोर हो गई और सोनिया ने 2012 में शूटिंग छोड़ दी। लेकिन माँ और बुआ के कहने पर 2015 में सोनिया ने फिर से पिस्टल थाम ली। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2016 में पुणे में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पैरा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की दूसरे नंबर की शूटर बन गई। तो चलिए आज मिलते हैं देश की नंबर दो शूटर, यूपी से 10 मीटर एयर पिस्टल खेलने वाली इकलौती निशानेबाज, हमारी शो की क्वीन सोनिया शर्मा से। तो रिपोर्ट आपने देखी, चलिए अब मिलते हैं हमारी आज की शो की क्वीन सोनिया शर्मा से। स्वागत करते हैं सोनिया का, बहुत बहुत स्वागत है सोनिया आपका हमारे इस शो में। तो सोनिया, सबसे पहला सवाल यही, शूटिंग ही क्यों, कब देखा राइफल को और प्यार हो गया उससे? एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरे स्कूल में कैंप लगा था, तो मैं बिल्कुल लाइक समझ नहीं पाई थी इस गेम को थ्रू रेंज और टारगेट्स की एक्चुअल होता क्या है। तो राइफल्स थी तो मैंने एक राइफल उठा के
सिंपली मुझसे होल्ड नहीं हो रही थी, बट स्टिल मैंने उसे जैसे तैसे उठाया और शूट किया, तो वो मेरा एकदम सेंटर में हिट हुआ, लाइक बुलसाई में. तो वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी बहुत सरप्राइज थे कि सिंगल हैंड से सोनिया इस तरीके से कर रही है. तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं इस गेम में कुछ कर सकती हूँ, लाइक आगे इसको परस्यू कर सकती हूँ. तो पर सोनिया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम अच्छी कर पाएंगे, तो अगर हम देखें तो अपने शरीर को देखते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है या फिर वीकनेस क्या है. आपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने यहाँ पर कहाँ से हिम्मत आई? एक्चुअली जब मैंने इस गेम को, मतलब जब राइफल को फर्स्ट टाइम पकड़ा था, तो मुझे लगा कि लाइक जब भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है तो मैं गेम को क्यों ना यूनिक चूज करूँ. लाइक फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन प्लेयर हर कहीं होते हैं, बट आई थिंक पूरे आगरा में से उस टाइम मैं अकेली पिस्टल शूटर थी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था. उस चीज़ को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस गेम को ही कंटिन्यू करना है. जाहिर सी बात है, एक चैलेंज आपने ले लिया था और एक जिद आपने थी कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती तो अब मैं यही करके दिखाऊंगी, ये जिद आपकी थी. तो लेकिन दिक्कत आई सोनिया शुरू? हाँ जी, दिक्कत तो एक्चुअली बहुत आई, क्योंकि सिंगल हैंड से इस गेम को परस्यू करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि एक तो सोसाइटी का प्रेशर, ऊपर से आई एम नॉट वेरी मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आई एम कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. तो उस चीज़ पे लाइक स्टार्टिंग में मैं बसेस से ट्रैवल करके जाती थी, अभी भी जाती हूँ स्टिल. एक एक किलोमीटर पैदल चलना, वहाँ जो लोग हैं उनके फेसेस देखना कि मतलब क्यों, बट मुझे अंदर पता था कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है. कल को जब मैं कुछ बनूंगी तो मुझे आने वाले जो लोग हैं, जो हैंडीकैप हैं और नहीं भी हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं, उनको इंस्पायर करना है. कि लाइक मेरे फादर ने मुझे इतने अच्छी तरह सपोर्ट किया कि एक गर्ल चाइल्ड होने के बाद और एक हैंडीकैप गर्ल चाइल्ड होने के बाद भी उन्होंने इस तरीके का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इस गेम से लाइक अपनी जो भी मेरी पूरा सिंस बर्थ टू अभी तक जो भी जर्नी रही है वो मैं लोगों से शेयर करूं और उन्हें इंस्पायर कर सकूं. तो पापा अभी नहीं है फिजिकली आपके साथ, लेकिन जब थे तो उस वक्त ही आपको इतना स्ट्रांग बना चुके थे कि आप अकेले अपनी राह पे आके निकल जाओ. तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रमोट किया पापा ने, या किस तरह से उन्हें आपसे ज़्यादा आप पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं आप कुछ अलग हो और आप कर सकते हैं. हाँ जी, एक्चुअली मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी थ्रू आउट जर्नी में. उनका जो शुरू से मुझे लेके लाइक नरिश करने का तरीका था वो बिल्कुल सिंपल था. आई गेस कभी ये नहीं हुआ कि मेरी बहन को ये चीज़ करवाई और मुझे ना करवाई हो. इनफैक्ट जब हम घर से बाहर जाते थे तो मेरे पापा कहते थे सोनिया दीदी का ध्यान रखना. तो इस तरीके से होता था एनवायरनमेंट कि अरे सोनिया साथ गई है, वो देख लेगी. तो कॉलोनी में भी, अरे ये सोनिया की सिस्टर है, इसे नहीं कुछ कहना है. तो मतलब मेरा इस तरीके का रोल था कि मुझे शुरू से ही अच्छे स्कूल में पढ़वाया, ट्यूशंस, एक नॉर्मल लाइफ थी. मुझे टू बी ऑनेस्ट आई एम एंजॉइंग माई हैंडीकैप्टनेस, आई एम एंजॉइंग दैट आई एम अ यूनिक. अगर दूसरे लोग वो काम कर रहे हैं और मैं भी वो काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा आइडल देखा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए. मुझे प्राउड फील होता था कि मेरे फादर ने मुझे इस तरीके से नरिश किया है, इस तरीके से ग्रो किया है कि मैं चैलेंज फेस कर सकती हूँ. एक इंसिडेंट बताऊँगी आपको. मैं ट्रेन में आ रही थी अपना प्री नेशनल कॉम्पिटिशन खेल के, तो वहाँ मेरे बगल में जस्ट सर्जन बैठे थे. तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आप नकली हाथ क्यों नहीं लगवाते हो? तो मैंने उनको बस सिंपल सा एक आंसर दिया. मैंने बोला सर, मैं अपने पापा की परवरिश को इतनी इजीली लेट डाउन नहीं करना चाहती. उन्होंने जो, मतलब जब जिस टाइम वो मेरे साथ चले होंगे मेरा हाथ पकड़ के, जब उन्हें इस चीज़ पे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, तो अब बड़े होकर मुझे क्यों होनी चाहिए? मैं ऐसे ही रहूँगी और टिल मैं सक्सेस भी, मैं कोई सर्जरी ऑफ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही सबको इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ. बहुत बढ़िया. तो सुनिए, ये जानना चाहेंगे क्योंकि शूटिंग जो गेम आपने चूज़ किया बहुत सस्ता गेम नहीं है. जो आप पिस्टल या राइफल जो भी आप लेते हो, अच्छा खासा इन्वेस्ट उसमें करना होता है. और आपका एक चैलेंज ये था कि अगर आपको सपोर्ट करना दूसरे हाथ से, उसमें भी आपको काफ़ी दिक्कत आई होंगी. तो फिर उसके लिए किस तरह से आपके पापा ने यहाँ पर चीज़ें आपके लिए तय की थी, किस तरह से प्लानिंग आपके लिए की थी? एक्चुअली जिस टाइम मेरे फादर थे उस टाइम मेरा शूटिंग करियर इतना पीक पे नहीं था. लाइक आई एम अ स्टेट प्लेयर हार्डली. उस टाइम मैं सिर्फ स्टेट कॉम्पिटिशन या स्कूल के जो कैंप होते थे
सिर्फ वही अटेंड करती थी। तो उस टाइम जैसे एक कॉम्पिटिशन में लोकल खेलने गई थी जिसमें मैंने राइफल अपने इस हैंड के निप पे रखी थी, तो इन बिटवीन कॉम्पिटिशन ब्लड आने लगा, तो मेरे सर ने बोला कि क्विट कर दो। मैंने बोला नहीं, मैं क्विट नहीं करूँगी, अगर मैंने आज कर दिया तो मैं इस गेम को कभी परस्यू नहीं कर पाऊँगी। मैंने रुमाल बांधा और मैंने कंटिन्यू किया और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था जनरल कैटेगरी में। तो मुझे लगा कि इफ़ यू हैव द विल आप कर सकते हो, इफ देयर इज अ विल देयर इज डेफिनेटली अ वे। तो सोनिया, जो बातचीत कर रही हूँ मैं आपसे, तो ये मुझे साफ समझ में आ रहा कि आपके पापा आपकी स्ट्रेंथ थे, आपका एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम थे, लेकिन इन चैलेंजेस के दौरान उस सपोर्ट सिस्टम को खो देना ये कितना बड़ा लॉस था, या फिर कैसे आप फिर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? उस टाइम एक्चुअली बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक होता है आपके आइडल, मेरे फॉर एवरी डॉटर उनके लिए फादर एक आइडल से कम नहीं होते। तो मुझे कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में यही सोचा हुआ था कि मुझे इनको प्राउड फील कराना है, लाइक जब मैं मेडल जीतूंगी तो मुझे अपने फादर के गले में डालना है। मेरे को ये बहुत था कि जब मैं मेडल जीतूँ तो मेरे लिए भी ढोल बजे, मेरे लिए भी लाइक मीडिया आए, मेरे इंटरव्यूज हो, वो होप थी। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई तो आई एम कम्प्लीटली शटर्ड एट दैट टाइम, बहुत मेंटली फिजिकली बहुत वीक हो गई थी मैं, कि मैं मेरे को अब कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, कि मैं क्या करूँगी, मैं किसको दिखाऊँगी, जिनको मुझे दिखाना था वो तो चले गए। तो मेरी सिस्टर ने रोल प्ले किया कि नहीं सोनिया, तुम्हें बढ़ना है, अब डैडी ने जब तुम्हें इतना आगे तक लाया है तो तुम्हें आगे भी चलना है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। तो फैमिली का सपोर्ट, मम्मा का, बुआ का, मासी का, सिस्टर का, इनफैक्ट जीजू का मेरे बहुत सपोर्ट रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सोनिया, कंटिन्यू करना है, डैडी का सपना है तो पूरा करना है। तो उसके बाद जो डैडी का फंड था उससे मम्मा ने मेरे को पिस्टल दिलवाई, उसके बाद फिर मैंने ये गेम परस्यू किया। रेगुलर रेंज जाना लाइक एक घंटा लगता है मुझे, पहले घर से ऑटो लेती हूँ, ऑटो से फिर वहाँ बस लेती हूँ, एक घंटे बस में ट्रेवल करके 1 किलोमीटर धूप में चल के फिर मैं स्टेडियम पहुँच कर रही हूँ अभी, अभी भी स्टिल मेरा यही रूटीन है, वहाँ स्टेडियम पहुँच के आधे घंटे की रेस्ट लेके 3 घंटे वहाँ पे प्रैक्टिस करना, फिर वापस आना, फिर घर पे जिमिंग एक्सरसाइजेस। तो अब रूटीन में, मतलब मैं उस रूटीन में इतनी कम्प्लीटली इन्वॉल्व हूँ कि अभी इमोशनल साइड जो मेरा है वो मैंने अभी एक साइड प्लेस कर रखा है, फुर्सत नहीं है। हाँ जी, कि अभी मुझे अपने गोल पे ध्यान देना। बिल्कुल, तो फैमिली का सपोर्ट पूरा है, लेकिन सोनिया फैमिली के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, जो भी लोग जिनसे हम मिलते हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी को इफेक्ट करते हैं, हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो जब आप पढ़ रही थी, लिख रही थी, तो क्या कुछ मुफ्त की एडवाइस मिली इंडिया कि कुछ पढ़ लो, लिख लो, कोई जॉब के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? इंडिया तो आर इंडिया इज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट जॉब ओनली। उनको लगता है कि अगर आप हैंडीकैप हो तो पहले तो मेरे को लगता है भगवान ने ही आपको कह के भेजा है कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, क्योंकि उनको लगता है अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो लड़का अच्छा मिलेगा। हमारी लाइफ सिर्फ लड़के पे डिपेंड नहीं होती, मतलब क्या हो जाएगा अगर लड़का अच्छा मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। लड़कियां शादी करके अपनी आइडेंटिटी खो देती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहती। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं लोगों को, साथ के लोगों को जो मेरे साथ बड़े हैं, जो आगे मुझे मिलेंगे, जो मेरे से जूनियर्स हैं, मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि शादी से हट के भी आपकी एक लाइफ है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, एक गर्ल हो के, एक विमेन हो के आप इंस्पायर कर सकते हो। आपके आगे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको लेके चलो। अगर तो मेरे ख्याल से ये नहीं होता कि इंडिया में होता है कि अगर आप लाइक हैंडीकैप हो तो आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, तो ये एग्जाम दे लो, बैंकिंग ले लो, अरे तुम्हें तो इतने परसेंट की छूट है, तुम्हें तो ये है। मतलब थैंक यू फॉर द एडवाइस, बट मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपना गोल सेट कर रखा था, जैसे मेरे सर ने बोला कि IAS बन जाओ सोनिया, तो मैंने बोला सर मैं IAS बन गई। सब होते अच्छा, फिर मैंने कि सर जब मैं मेडल जीत के आऊँगी ना तो यही IAS मेरी सिक्योरिटी में लगे हुए होंगे। तो सर इज लाइक तुम्हारे सपने बड़े हैं। तो ऐसे ही ट्यूशंस में भी कि सोनिया यू आर एकेडमी, आप बहुत अच्छे हो तो आप CA बन जाओ। तो मेरे आंसर्स ही इस अकॉर्डिंग होते थे। मुझे नहीं पता वो लोग उसे मतलब एज अ प्राउड ही, एज अ
एरोगेंस किस वे में लेते थे, बट मैं सिंपली इस चीज़ पे बिलीव करती थी। मैंने उन्हें बोला नहीं सर मुझे सीए नहीं बनना, मैं सीए रखूंगी। तो सर इज़ लाइक सोनिया तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तो मैंने कि सर बड़े सपने भी हर कोई नहीं देख सकता, इसको देखने के लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। मैंने अपने क्लास फेलोज अपने साथ के लोगों को देखा है, उनसे सीखा है किसी से कि कैसे परस्यू करते हैं, किससे कि क्यों वो अपने सपने सिर्फ शादी की वजह से छोड़ देते हैं। मैं वो नहीं बनना चाहती फॉर श्योर। तो सोनिया मीडिया भी है, हर कोई है, और आप खुद एक रोल मॉडल बन चुके लोगों के लिए। तो मेडल जीतने का जो सफ़र आपका शुरू हुआ और आगे जो टारगेट आपने किया उस पर हम बात करेंगे। आप तीन सोनिया शर्मा बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो सोनिया नेशनल तक पहुंची, आप मेडल भी जीत के ला गई, तो ज़रा जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका नेशनल लेवल पर फिर ये सफ़र शुरू हुआ है और आगे कैसे आप प्रैक्टिस कर रही हैं इसके लिए। मैंने स्टार्ट किया था जब गेम, तो इस गेम में काफ़ी स्टेप्स होते हैं। पहले आपको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर प्री नेशनल एंड देन नेशनल। मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल था, जिसके बेस पे मुझे दुबई वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो मैं इंडियन पैरा शूटिंग टीम में हिस्सा बनी थी फरवरी में। उसमें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, उसमें मेरी 6th रैंक रही थी वर्ल्ड वाइड, एशिया में मेरी 7th रैंक है इस टाइम। तो उसके बाद मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिली, लाइक गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के थ्रू मैं स्पॉन्सर्ड हूँ, जिसमें अभिनव सर भी एडवाइज़र हैं। तो उस फाउंडेशन ने भी मेरी थॉरली लाइक दे आर स्पॉन्सरिंग मी लाइक फ्रॉम अगस्त और फ्रॉम लाइक जुलाई। तो उसके बाद से उन्होंने मेरे जितना भी लाइक एक प्लेयर्स को ज़रूरत होता है लाइक न्यूट्रिशनिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट उस सब में मेरी हेल्प करी, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि मैं इंटरनेशनल एरिना पे परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे मतलब एक नेशनल प्लेयर से थोड़ा एडवांस अब उसकी ज़रूरत है। अभिनव बिंद्रा के साथ फोटो देखी आपकी? हाँ जी, लाइक मेरे इंस्पायरिंग थे, आइडल थे। मिलना कैसा था और उसके बाद क्या कुछ डायरेक्शंस उनसे मिली हैं, कितना चेंज उसके बाद आपकी शूटिंग में आया है, कैसे टेक्निक्स पर अब आप ध्यान दे रही हैं? एक्चुअली अभिनव सर के कोच जो थे उवे सर, वो आए थे ताजमहल विजिट करने। तो उनको मेरे कोच ने बोला कि आप आओ और क्या कहते हैं हमारी रेंज देखिए। तो वो बोलते कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे आगे भी घूमना है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो और मैं 1.5 घंटे बातें करते रहे। उनको मतलब इतनी मेरे अंदर इतना अच्छा लगा कि उसको सच में कुछ करना है। उन्होंने सर को पर्सनली बोला कि अगर कोई आपके रेंज पर से कोई प्लेयर है जो कि पैरालंपिक या ओलंपिक तक जा सकता है, आई थिंक शी इज़ सोनिया शर्मा। तो उनके वो वर्ड्स मुझे बहुत इंस्पायर करके गए। थ्रू मेल्स, थ्रू व्हाट्सएप वो मेरी हेल्प करते हैं। कुछ भी पूछना होता है मुझे कि सर मैं ये स्टेप ले रही हूँ, मैं ये लूँ, सर मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं करूँ, तो वो मतलब एनी टाइम ही इज़ लाइक अवेलेबल फॉर मी, जो कि बहुत बड़ी बात है। लाइक इतने बड़े मतलब जो खुद में एक रोल मॉडल हैं, उनके कोच के थ्रू गाइडेंस मिलना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैंने एक बार उनको थ्रू मेल बोला कि सर लाइक सॉरी फॉर बॉदरिंग यू अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने मुझसे बोला कि डोंट बी लाइक उस पर नहीं सोचो, आई कैन स्मेल द पोटेंशियल। तो वो जो वर्ड्स थे वो मतलब अंदर ही मैं इंटरनल मोटिवेशनल लाइक खुद ही मैं अपना मोटिवेट होती हूँ कि जब सामने वाला इतना बड़ा इंसान मेरे पे विश्वास कर रहा है तो मतलब कि मेरे अंदर कोई बात है। फिर जब मैं अभी मोहाली गई थी थेरेपीज लेने, अच्छा, मेरे बैक एक था तो उसमें थोड़ा मुझे पोस्चर देखना था, तो वहाँ मेरी लाइक मुलाकात अभिनव सर से हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उनसे बात की, उन्होंने पूछा कैसा लगा, मैंने बताया ये चीज़ थी, ये अब सही हुई है, बैक एक ये सब। तो मैं घर आई, मैंने घर आके मम्मा से बोला, मैंने कि मम्मा सपने पूरे होते हैं? मम्मी कहती क्यों? मैंने कि लाइक 2008 में जब वो मेडल जीत के आए थे तो डैडी ने मुझे दिखाया था कि सोनिया ये देखो अभिनव बिंद्रा इवन मेडल फॉर इंडिया। तो मैंने उनको देखा और मतलब मेरी बहुत चाहत थी कि मैं उनसे मिलूं, और लाइक 2017 में मैं उनसे मिली। इसका मतलब अगर आपके अंदर चाह होती है तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है कहीं ना। चाह में शिद्दत कितनी है, आप कितना उसको डेस्परेटली कितना विलिंगली आप उसको चाहते हो, तो वो डेफिनेटली आपको मिलती है। बिल्कुल। तो सोनिया
जहाँ से आपने शुरुआत की हो, जिस मकाम पे अभी हो, हमारे लिए तो अभी से आइडियल हो आप, और इसके आगे का रास्ता अब आपको लगता है कि अब उतना मुश्किल नहीं, एक जो बैरियर था या जो सोच थी वो आप तोड़ चुकी हो, आप बता चुकी हो कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, इनफैक्ट वो मेरे अंदर की एक स्ट्रेंथ है जो मुझे आगे बढ़ाएगी। तो अगला किसको टारगेट करना है और क्या तैयारी चल रही है उसकी? अगला बस यही है, बैंकॉक का वर्ल्ड कप है, दुबई से सोचूंगी कि अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, मेडल की उम्मीद तो पूरी है, उधर जाके फाइनल देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अपनी तरफ से मैंने टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली बहुत चेंजेस लाए हैं, दुबई के वर्ल्ड कप से सीखने को मिला है, उस पर अब वर्क कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे PCI पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है राव इंद्रजीत सर, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं, हम शूटर्स को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट दुबई टाइम पे उन्होंने स्पेशली फंड रेज किया था, जब थोड़ा लैक ऑफ उससे तो उन्होंने सपोर्ट किया था। जो चेयरपर्सन सर हैं नौटियाल सर, उनका भी सपोर्ट थॉरली रहता है। अब तो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, उसका भी सपोर्ट मेरे साथ थ्रू आउट है। अभी कैसा रूटीन कैसा रहता है प्रैक्टिस के, क्या आप शेड्यूल रहते हैं और किस तरह से आप खुद को फिजिकली मेंटली कैसे फिट रखते हो? हाँ जी, रूटीन का एक्चुअली ऐसे होता है, मैं सुबह उठती हूँ, उठ के पहले मेडिटेशन करती हूँ मैं हाफ एन आवर, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग और योगा रहती है मेरी, ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेंज के लिए निकलती हूँ, फिर रेंज में मेरे 3-4 आवर्स की प्रैक्टिस रहती है, हाँ जी, जिसमें 5 या 10 मिनट्स का गैप मैं बीच में ज़रूर लेती हूँ, फिर वापस घर आके रेस्ट लेके फिर उसके बाद मेरी जिम होता है, स्ट्रेचिंग होती है 2 आवर्स का, मतलब मेरा ये पूरा रूटीन होता है, फिर उसके बाद डिनर करके रात को मेडिटेशन। तो शूटिंग और सोनिया इन सबके बीच किसी और चीज़ के लिए स्कोप है, घूमना फिरना? नहीं, एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत, मतलब कॉन्टैक्ट में मैं सबसे हूँ, सोशलाइजली आई एम वेरी मच एक्टिव, बट उस तरीके का लाइक कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता कि रोज़ आप चैटिंग करें या रोज़ आप कुछ करें। मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी हैं मेरे लिए, दी से इंटरेक्ट कर लेती हूँ, जीजू से पूछ लेती हूँ, वीकली मेरे मासी वगैरह भी आ जाते हैं तो मैं उनसे भी लाइक शेयर कर लेती हूँ कि मेरे ये ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं जो कि मैं, मतलब ये चेंजेस, तो मैं मतलब मेरी दुनिया लाइक मेरी फैमिली तक ही सीमित है। और बाकी सोनिया, जो बचपन से आप सुनते आ रहे थे, जो मुफ्त की एडवाइस आपको दी गई थी कि ये नहीं ये करो, तो अब क्या चेंजेस आए हैं? अब क्या कहते हैं आपसे कि नहीं सोनिया? जो लोग पहले कहते थे कि नहीं जाओ इस गेम में, कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत महंगा गेम है, मत जाओ, क्या रखा है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई फ्यूचर नहीं है, अब वही लोग कहते हैं कि सोनिया हमें गर्व होता है जब हम आपको ऑन टेलीविजन या ऑन न्यूज़पेपर या आपको लाइक बाहर जाता देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों की सोच चेंज हो रही है, बट अभी वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। मेरा सपना सिर्फ कॉलोनी या सिर्फ स्टेट को सेटिस्फाइड करना नहीं है, मेरा सपना पूरी इंडिया को अवेयर करने का है कि अगर आप अपने बच्चे में पूरे शिद्दत से, पूरे लगन से उसमें चाहते हैं कि वो कुछ करें, तो डेफिनेटली वो बच्चा करके दिखाता है। क्योंकि स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें, ये आप भी मानोगे हम भी, कि अभी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ नहीं उन्हें जाने दिया जाता, क्योंकि एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए होता है, या तो शादी है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे पेरेंट्स से जो अभी भी थोड़ा सा घबराते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं, या फिर अगर बच्चा थोड़ा सा फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ कमी कहीं रह गई है, तो उन्हें लगता है कि नहीं अब तो बिल्कुल नहीं, आपको बस याद पढ़ के एग्ज़ाम देना है, कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी या फिर शादी करनी है? एक्चुअली पेरेंट्स का होता है कि अगर बच्चा हैंडीकैप है या बच्चा नहीं उतना मैच्योर इनफ है, तो कि नहीं इसको सिर्फ हम पढ़ाएंगे, और लड़की है तो शादी कर देंगे, लड़का है तो अगर उनका बिजनेस है तो उसमें सेट कर देंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपने बच्चे को अच्छी एडुकेशन देंगे, अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, तो इन फ्यूचर वो आपको पेबैक ज़रूर करेगा या ज़रूर करेगी। तो बिल्कुल, तो सोनिया बेस्ट विशेज़ हैं आपके फ्यूचर के लिए, और जो अगला मेडल आप टारगेट कर रहे हो, आप जीत के आए, हम फिर से आएँ और फिर आपका इंटरव्यू करें, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ द क्वीन शो में आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात एक और क्वीन से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।